हेलो फ्रेंड्स, तो बजट के बाद आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। कल एक्सपायरी कर रहे हैं टाइम, तो कल की जो हमारी है वो ट्रेडिंग क्या होगी इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम निफ्टी की चार्ट देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो जिस तरह से निफ्टी की चार्ट दिख रहा है कि यह जो रेंज है 17,768, आज इस पॉइंट को इसने क्रॉस कर दिया है। तो कल को ये देखना है कि इस पॉइंट को ये सस्टेन कर पाता है या नहीं, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि यह हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा और फिर से वो ऊपर जाएगा। तो नीचे आने की जो चांसेस है वो आप देख लेंगे कि ये जो आज की लो है 638 या 73 के आसपास आएगा, बिकॉज 1700 को कोशिश करेगा वो टच करने के लिए, और फिर वो ऊपर अगर जाता है तो प्रॉब्लिटी है कि 800 से ऊपर और 900 को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये ध्यान रखें और इसी को लेकर हमें ट्रेडिंग करनी है। बट अगर नीचे सस्टेन रहा, कीप योर माइंड 17,768 पे अगर उससे नीचे अगर रहा तो फिर वो 558 के आसपास क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हम लोग मैं कल मार्केट को ऊपर की ओर ही देख रहा हूँ। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी भी अभी ऊपर की ओर है, तो 100% जो है 70-80% आप जो प्रोबेबिलिटी पर मार्केट वर्क करते हैं, तो आप 70% जो है ऊपर की ओर सोचिए और 30% जो है बिलो सोचिए, ठीक है। और नीचे की ओर बैंक निफ्टी जो है 38,463 और ऊपर की ओर जो है इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कल 39,850 तक ये कल जा सकती है। तो अभी हम लोग जो मार्केट को, मैं जो कल अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा इंटरडे ट्रेडिंग, वह ऊपर की ओर यानी कि ऑप्शन में अगर हम करते हैं तो कॉल को बाय करके चलूँगा, राइट। और फ्यूचर में भी अगर बाय करते हैं तो हम कॉल की बाय, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। कल की वोलेटाइल मार्केट तो होगी, तो आप ये सोच कर चलिएगा, हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आज कल ओपन हो उसी पे क्लोज हो, तो ये आप ध्यान में रखकर आप इसमें ट्रेडिंग करो। अगर हम TCS और रिलायंस की बात करें तो आपकी सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगी। या TCS भी सेम उसी पॉइंट पर आपको 38,846 ऊपर की ओर है मार्केट, और रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें रिलायंस में अभी थोड़ी सी जो है रिलायंस चाहे तो इस बाजार पर दबाव बना सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि रिलायंस के कारण जो है मार्केट नीचे आएगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमें मार्केट की 80% जो है प्रोबेबिलिटी मैं ऊपर की ओर ट्रेड करूँगा, ताकि आप लोग भी सोच समझ कर ट्रेड करें। और कोशिश कीजिए कि डाटा को देखिए, डाटा अगर आप
एनालिसिस करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। इस वीक में मैं चाहूँगा कि मैं डाटा का भी एक वीडियो लगाऊँ किस तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।